श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है, तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर अभिषेक कराकर पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है, पर नाम याद रखना पिपलेश्वर महादेव का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोज क्या करूँ में। दर्शकों, शनिवार के दिन का बड़ा विशेष महत्व होता है। शनिवार के दिन जो भी पीपल के वृक्ष की पूजा करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। सुबह आप एक लोटा जल दीजिएगा पीपल के वृक्ष में। उस जल के पात्र में थोड़ा सा मिष्ठान, चावल या काला तिल मिला लीजिएगा और गाय का कच्चा दूध आप अलग से लेके जाइएगा। सुबह सूर्य उदय होते समय आप स्नान करने के बाद एक लोटा जल यह पीपल के वृक्ष में समर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। प्रदोष काल में दर्शकों, आप एक सरसों का दीप पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर जलाइएगा। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी। दर्शकों, शनिवार के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पे आप 4 से 6 बूंद सरसों का तेल यदि गिरा देते हैं तो इससे आपके घर में यदि शनि दोष है तो दूर होता है और आपके घर की सारी समस्याएं दूर होती हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो दर्शकों, अपने घर के मुख्य द्वार पर आप 4 से 6 बूंद सरसों का तेल जरूर गिराइएगा और आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी एक सरसों के तेल का दीप जरूर प्रज्वलित करिएगा। शनिवार के दिन जो भी व्यक्ति सुपाय को करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है और उसके घर में कभी शनि दोष नहीं लगता है। जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।